हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बूंदी वाला रायता बनाना। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें दही लेना है एक बाउल में। ये हमने दही ले लिया है, जितना दही होगा उससे डबल मात्रा में हमें इसमें पानी डाल देना है। हाँ दोस्तों, हम इसमें दुगने क्वांटिटी में पानी डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छे से घोट लेना है। आप चाहें तो बिलोई आती है उससे भी घोट सकते हैं, और हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। हमारी चम्मच से हमने इसे अच्छे से घोट लिया है, घुटा हुआ चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे। नमक डाल देंगे। लाल मिर्च और नमक डालने के बाद हम इसमें भुना हुआ जीरा डाल देंगे। हाँ दोस्तों, इसमें जो जीरा डलता है वो भुना हुआ यानी कि सिका हुआ होना चाहिए। इसे हम तवे पे या किसी और छोटे से बर्तन में सेक सकते हैं। सेकने के बाद इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर देंगे और फिर इसे अच्छे से छोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसे अच्छे से छोल लिया। ये हमारा रायता बन रहा है। दही अच्छे से मेज हो जाना चाहिए। अब हम इसमें फीकी बूंदी डाल देंगे। ये जो फीकी बूंदी है कहीं भी आपको हलवाई के यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, और आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं बेसन से। फीकी बूंदी बनाने का वीडियो हमने अलग से डाला है, आप उसे भी देखें और सीख लीजिए कि बूंदी कैसे बनती है। सबसे पहले दोस्तों, नई नई चीज़ें बनाना और सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे चैनल को जब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हर नई डिश आपके चैनल पर आपको फटाफट दिख जाएगी और आप सीख पाएंगे अच्छा सा खाना बनाना। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें अच्छे से फीकी बूंदी डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से घोट लेंगे। ये देखिए, अब हमारा रायता तैयार है। अभी हमने इसमें बूंदी डाली है, तो इसे एक या दो सेकंड के लिए हम इसे बूंदी को अच्छे से गलने देंगे। जब ये बूंदी गल जाएगी तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, तो हम इसे गलने देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, दो मिनट गलने के बाद हमारा दो मिनट बूंदी गल गई और हमारा रायता तैयार है। इसे खाइए, सर्व कीजिए पूड़ी के साथ, रोटी के साथ। आनंद लीजिए, गर्मियों में एंजॉय कीजिए और हेल्दी रहिए। हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू।